एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो मैसेजेस लेकर आई हूँ, ये हैं आपके मैसेजेस आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। तो इस डेक से मैं लूँगी आपके लिए मैसेजेस, मतलब आपके मैसेजेस, और इस डेक से हम लेंगे आपके पर्सन के रिप्लाईज, जो रीडिंग मैं अक्सर आपके लिए लेकर आती हूँ। तो शफल करके रखूंगी मैं और फिर मैं लूंगी मैसेजेस, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। लास्ट वन, ओके। अपने मन में सोच लीजिए क्या पूछना चाहते हैं आप अपने पर्सन से, उसका जवाब क्या होगा। कल मैंने एस्ट्रो विद एम सिंह पे एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। अभी इस वक्त आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं, आपके पर्सन से आप क्या पूछना चाहते हैं। कई लोगों ने लिखा मैम जवाब, क्वेश्चन तो सही है बट जवाब, तो आज आपको इस रीडिंग में जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न है उसका जवाब मैं आपके पर्सन से लूँगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है आपके पर्सन से वो ये है कि जब मुझसे लेना देना नहीं है तो मुझ पे नज़र क्यों रखते हो, स्पाई क्यों करते हो, मुझे कहीं ना कहीं से पता चला है कि तुम मेरे पे नज़र रखते हो। या तो तुमने कोई फेक आईडी बनाई है क्या, या तुमने मैसेज किया है क्या मुझे उस नंबर से या उस आईडी से, किसका किसका सवाल है कमेंट में ज़रूर बताना। जवाब में है आपके पर्सन का कि तुम पागल हो गई हो क्या, बिकॉज वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है कि पूरी तरह से पगला गई हो या पगला गए हो, इस तरह का मैसेज। भगवान जाने आपके पर्सन कैसा रिप्लाई देते हैं, बट मुझे यही मैसेज रिसीव हो रहा है। तो हो सकता है आपको गुस्सा आया हो कि आपके पर्सन ऐसा रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ मैसेज यही है, क्योंकि आपके पर्सन नाराज़ हो रहे हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, उनके ईगो पे आ रही हैं, तो ईगो हर्ट हो रहा है, तो ये उल्टा गुस्से में रिप्लाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपका मैसेज है कि अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछा क्योंकि मुझे कोई परेशान कर रहा है, मतलब आप बात या तो घुमा रहे हो या तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो बट प्यार से। फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि अरे कोई मुझे प्रपोज कर रहा था, या कोई मुझे बार बार मैसेजेस कर रहा था या कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम हो। तो हो सकता है आपने इसे अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। इसके रिप्लाई में आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, कोई दोस्त होगा मजाक कर रहा होगा, या होगा कोई तुम्हारा लवर या जो भी व्हाटएवर। गजब का रिप्लाई है, मुझे इस रीडिंग में बड़ा मज़ा आता है, मज़ा आप लोगों को आना चाहिए बट मुझे करने में मज़ा आता है, तो आप लोगों को शायद सुनने में भी मज़ा आए। इसके रिप्लाई में आप कह रहे हैं कि तुम हो डेविल, राक्षस तुम हो और तुम ही ये सब हरकत करते हो, अपने हिसाब से मुझे कंपेयर मत करो, ये सारी जो बेफालतू की हरकतें हैं, फ्लर्ट करना और दूसरों से बात करना, ये तुम्हारी होंगी मेरी नहीं है, ये डेविल का कार्ड आया है आपकी तरफ। इसके रिप्लाई में आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं मैं तो फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं तो एक ही से प्यार करूँगा, एक ही से शादी करूँगा, एक ही के साथ फैमिली प्लान करूँगा। तो ये जवाब आपके पर्सन दे रहे हैं इसके रिप्लाई में, ओके। यूनियन की वाइब्रेशन है, हो सकता है यहाँ पर आप लोगों की कोई प्राइवेट बातें हो रही हों, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक बातें चल रही हैं, तो इसे मैं ज़्यादा ओपन अप नहीं करूँगी, बट हाँ यहाँ पर ऐसा है जैसे आप पास्ट की कोई रोमांटिक सी बातें या कोई रोमांटिक सी कोट्स, कोई रोमांटिक सा GIF आप अपने पर्सन को सेंड करते हैं कि तुम तो मेरे ही हो, तुम्हारी शादी तो मेरे से ही होनी है, किसी और के बारे में सोचना भी मत। इसके जवाब में आपके पर्सन कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे कि आपको मिर्ची लग जाए, देखा जाएगा, सोचा जाएगा। इस जवाब से आपको मिर्ची पक्का लगी होगी, अब मुझे नेक्स्ट कार्ड देखने बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं देखा जाएगा, पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, सही जवाब नहीं दे रहे हैं, हाँ तुम ही हो मेरी सब कुछ, ऐसा रिप्लाई दें तो शायद आपके करेजे को ठंडक मिले, बट ऐसा रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। इसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं, मैं तो होपफुल हूँ, मतलब आप बात को अभी भी बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सब्र की ज़रूरत है भाई, ऐसे ऐसा पर्सन मिल जाए तो सब्र करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पर्सन इसके बाद जब आपने इनको गुस्से में रिएक्ट नहीं किया, तो आपके पर्सन खुद ही बोलेंगे आपको मिर्ची लगाने के बाद कि हाँ मैं बिल्कुल स्टैंड लूँगा, मैं हमेशा साथ हूँ। तो
चेक करते हैं आपके पर्सन बहुत आपको, क्यों सही बात है कमेंट में बताइएगा। जब ऐसा बोले हैं तब आप अपने तेवर में आए हैं, आपके अंदर की माता या पिता जागृत हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर आए हैं क्वीन ऑफ वांड्स, फायरी एनर्जी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी पावर में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा अब दब रहा है या दब रही है। ये जो रिएक्शन है ना, बिल्कुल कंट्रास्ट, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपकी तारीफ़ें करे और शांत ना हो, बिल्कुल खूब सारी तारीफ़ें करे आपकी, कि हाँ मैं तुम ही हो, तुम ही मेरे लिए इतना कर सकती हो, तुम ही मुझे झेल सकती हो या झेल सकते हो और मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। तो इस चीज़ से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। जवाब में आपके पर्सन का है द वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हैं। आपके पर्सन भी मस्का लगाते, बटरिंग करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद ज़्यादा बोल दिया मैं, अब मुझे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, वरना यहाँ हमला होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ व्हील्स। आप इनके बाद इनकी फैमिली से रिलेटेड या क्या होगा आगे, क्या प्लान किया है करियर को लेके, लाइफ को लेके, ये सारे डिस्कशंस आपके मन में हैं, इनसे पूछना चाह रहे हैं आप। फैमिली लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है आगे का, प्लानिंग क्या है। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं द स्टार, जैसे आपने इनको खून का घूंट पी के बर्दाश्त कर लिया ना पोस्टपोन वाली बात पे, वैसे ये भी आपको किसी बात को काटने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये बोल के कि हाँ हाँ सब ठीक है, सब चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ हिडन हैं। जवाब में आप कह रहे हैं द वर्ल्ड, आप इनके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आप इनके साथ कंप्लीटली प्लान कर चुके हैं कि मुझे आपके साथ ही रहना है, तो हमारे रिलेशन के बारे में भी तुम सीरियस रहो। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं थोड़ा डर है, थोड़ा फियर है रिएक्शंस कैसे होंगे, बट ठीक है देखा जाएगा कैसे मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी, हर सिचुएशन में मैनेजमेंट होगा। आप इसके जवाब में कह रहे हैं कि फी ये देखो यहाँ पर फियर का मैसेज है और यहाँ पर आप कह रहे हो केयर फ्री हो, डरो नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके जवाब में आपका पर्सन क्या कह रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कमिटमेंट आपको देंगे, इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे। बॉटम से हम देखेंगे अब, बॉटम ऑफ द डेक क्या निकल कर आया है। आपकी तरफ है टू ऑफ वांड्स, आप कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, किस चीज़ का, मैरिज का, शादी का इंतज़ार। इसके जवाब में आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाने दो, प्यार तो हम दोनों में है ही, उसके बाद मैं एक्शन लूँगा इस रिश्ते के लिए या लूँगी इस रिश्ते के लिए, बिकॉज वी हैव गॉट एस ऑफ चैलिसिस विद द सन। थोड़ी सी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, तो ये कुछ लोगों के लिए ही ये मैसेज है फाइनेंस का। सबकी ज़रूरी नहीं है कि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो जिनकी ख़राब होगी जिनके पर्सन की, उनके लिए ही ये मैसेज है। तो गाइज़ ये थी आज की एक शॉर्ट रीडिंग, मैसेजेस आपके उनके लिए और उनके जवाब आपके लिए। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।